प्यारे बच्चों, आज हम लोग जानेंगे कि जो आने वाला 2021 में बोर्ड परीक्षा है 12वीं कक्षा का, उसको हम लोग किस प्रकार से टैकल करें और ताकि हमारा रिजल्ट बेहतर हो सके। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार हमारा सिलेबस जो है बदल रहा है, और पैटर्न जो इस बार बदला गया है कि किस प्रकार बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को अर्जित कर सकते हैं, मैंने पिछले क्लास में बताया था। और आज मैं, जैसा कि कल मैंने वादा किया था, कि प्रत्येक विषय के बारे में बारी बारी से आपको बताऊंगा कि किस प्रकार परीक्षा को हैंडल करना है और किस प्रकार आप जो है मार्क्स अर्जित कर सकते हैं। तो परीक्षा को हैंडल करने के लिए सबसे पहले तो आपको मैं बताऊं कि विषय कैसे हम लोग को चयन करना है। मेरे द्वारा भी मैंने प्रत्येक दिन जो है 2 दिन को एक विषय के लिए रखा है, यानी कि अभी जो हमारे पास जो है लगभग 23-24 दिन 25 दिन जो बच रहे हैं, इन 24 दिनों में मैंने क्या किया है कि प्रत्येक विषय के लिए 2 दिन रखा है। तो अगर आज मैं हिस्ट्री शुरू कर रहा हूँ तो कल छोड़ के फिर अगले दिन ज्योग्राफी शुरू करूँगा, फिर अगले दिन जो है उसके बाद वाला दिन छोड़ करके फिर मैं जो है निश्चित रूप से सोशियोलॉजी, पोल साइंस इत्यादि विषयों का आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले तो आज अगर हिस्ट्री को शुरुआत में कर रहा हूँ तो हिस्ट्री के विषय में मैं बताऊँगा, और आपको आखिरी में मैं इस वीडियो के आखिरी में सजेशन दूंगा। ये सजेशन जो है आप ध्यान से समझेंगे कि ये जो सजेशन है ये लगभग आपको 50 क्वेश्चन के आसपास रहेगा, और उन 50 क्वेश्चनों को आपको टेस्ट दे देना है इसी 2 दिन के दरमियान, और हिस्ट्री को आपको समाप्त समझिए और उसमें से ही क्वेश्चन आएंगे। रहा बात अगर मैं सिलेबस की बात करूँ, सबसे पहले तो हिस्ट्री के विषय में जल्दी से संक्षिप्त में बता दूं कि हिस्ट्री जो 12th क्लास का है इसके लिए क्या है। तो हिस्ट्री में आपको जो है अभी इस बार का जो पैटर्न है, पैटर्न जो है परीक्षा का, तो वो ये है कि 100+30+8, मतलब ये कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये शॉर्ट टाइप है, और ये लॉन्ग टाइप होगा। यानी कि आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30 शॉर्ट टाइप पूछे जाएंगे, और 8 जो है लॉन्ग टाइप पूछे जाएंगे। इन 100 में से आपको क्या करना है, आंसर कितना का करना है, तो इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव का, 15 शॉर्ट टाइप का, और 4 लॉन्ग टाइप का, इस तरह से आपको जवाब देना है। अगर इसमें प्रत्येक के लिए जो है 1 नंबर है तो 50 मार्क्स, इसमें प्रत्येक के लिए 2 नंबर है 30 मार्क्स, इसमें प्रत्येक के लिए 5 नंबर है तो 20 मार्क्स, कुल कितने हो गए 100 मार्क्स। ये रहेगा आपका हिस्ट्री के लिए। आज मैं सिर्फ हिस्ट्री के विषय में बताऊँगा। तो शुरुआत कैसे करेंगे, अगर मैं आपकी जगह होता या रहूँगा तो क्या करता मैं। सबसे पहले आज सपोज करें कि हिस्ट्री का पेपर है, तो मैं आज सबसे पहले सुबह उठ करके जो भी पहले का क्वेश्चन है उसको मैं सिर्फ एक बार सरसरी नज़र से देख लेता कि हाँ भाई कौन सा क्वेश्चन है, और नया तो मैं आज के बाद पढ़ूंगा ही नहीं। मतलब ये नहीं कि आज हिस्ट्री है इसलिए, मैं आज जो है जो सातवीं तारीख है जनवरी का, इससे लेकर के मैं हिस्ट्री को पढ़ूंगा ही नहीं। अब जो है हिस्ट्री को पढ़ूंगा मतलब नया नहीं पढ़ूंगा, जो पिछला पढ़ा है मैंने उसको ही देखना है ताकि रिवीजन हो सके और उस पर ज़्यादा अच्छा से कमांड कर सके। नया पढ़ने से क्या हो जाएगा कि उस पर पैटर्न जो है वह खराब हो जाएगा नया पढ़ने से। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है कि नया नहीं पढ़ना है। अब रहा बात कि करना क्या है, मैं सुबह उठूंगा और उठ करके सारे प्रश्न को एक बार सरसरी नज़र से देख लूँगा, और जैसे ही परीक्षा भवन के लिए तैयार होऊंगा जाने के लिए तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर होना चाहिए। ये नहीं कि कौन सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अब मैं कितने अंकों में जवाब दूंगा, इत्यादि इत्यादि, ऐसा नहीं करना है। इत्यादि इत्यादि प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग फिर देखेंगे कि मैं जैसे ही परीक्षा भवन में जाऊंगा तो परीक्षा भवन में जाने के साथ मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले क्वेश्चन पेपर को देखूंगा, और क्वेश्चन पेपर को देखने के साथ मैं प्रत्येक प्रश्न को बारीकी से पढ़ूंगा।
और मैं देखूंगा कि जो जो ऑब्जेक्टिव का ही अगर मैं बारीक बात करता हूं तो 100 प्रश्न मेरे पास रहेंगे, तो 100 प्रश्न को अगर सपोज कि पहला प्रश्न मुझे आ रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1900 ऑप्शन रहेगा 1913, 1914, 1915, 1916, तो उसमें मुझे मालूम है कि 1914 ईस्वी में हुआ, तो मैं सिर्फ उसमें टिक लगा लूँगा कि हाँ ये 1914 ईस्वी में हुआ। जैसे कि एक एग्जाम्पल के प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, ऑप्शन अगर ए है 1913, बी है 1914, सी है 1915, डी है 1916, तो मैं सबसे पहले टिक लगा लूँगा। टिक लगा करके मैं इसी तरह से जो भी प्रश्न का उत्तर आता है, लेकिन 50 में ही, सबको प्रश्न को देखना नहीं है, देखना है मतलब कि जिसमें कॉन्फिडेंस है कोई भी 50 को बना लूँगा, 60 नहीं बनाना है, 51 नहीं बनाना है, 52, मैं भले ही सारा प्रश्न का उत्तर जानूँ लेकिन कोई भी 50 का ही जवाब देना है, क्योंकि 100 पूछा जाएगा, 50 का ही जवाब देना है। तो पहले मैं ये कर लूँगा, इसके बाद फिर मैं जो है डिस्क्रिप्टिव पे जाऊंगा, शॉर्ट टाइप पे। शॉर्ट टाइप पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले कि शॉर्ट टाइप का प्रत्येक प्रश्न को देखूंगा, और प्रश्न को देखने के साथ मैं ये पहले एनालिसिस करूंगा खुद में कि मुझे किस आंसर पर पकड़ सबसे अच्छी है, मतलब मुझे किस आंसर को लिखने में सबसे ज़्यादा जो है प्रैक्टिस है, तो मैं उन प्रश्नों को पहले बारीकी से तैयार करूंगा। जैसे अगर सपोज कि 30 प्रश्न है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, सपोज 20 ही है, 20 में से हमको 10 चुनना है, तो क्या करूँगा, मैंने पहले ये सारा प्रश्न को एक तरफ से पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर देखेंगे कि ये आ रहा है, ठीक है, तो इसको पहले बना लेंगे, फिर नहीं 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 ये आ रहा है, उसके बाद ये बेटर लग रहा है तो इसको बना लेंगे, फिर लग रहा है कि नहीं नहीं 9 नंबर अब ठीक लग रहा है कि ये शायद मुझसे बन जाएगा तो मैं ये बनाऊँगा। ये ज़रूरी नहीं है कि सीरियली बनाना है, हाँ जो जिस पे जितना अच्छा पकड़ है उसको पहले बना लेना है। इसके बाद मैंने कल भी बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि करना ये है कि ये 20, 30 से 50 शब्दों में इसके उत्तर देने हैं, तो अगर हमको उत्तर 30 से 50 शब्दों में देना है तो वो ध्यान रखना है, ये नहीं कि हम उत्तर को लंबा चौड़ा बनाएंगे, पेज भरने के चक्कर में रहेंगे। मुझे एक विद्यार्थी ने बताया कि सर मैं परीक्षा देकर के जब आया तो देखा कि मेरे बहुत सारे पेज खाली बच जाते हैं, बहुत सारे पेज खाली बच जाने के कारण मैंने क्या देखा कि मुझे कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा था कि शायद पेज खाली रह गया है तो नंबर कम मिलेंगे या फिर जो है मार्किंग नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होता है, पेज आपको पर्याप्त इसलिए दिया जाता है ताकि जो है नियम ये है कि आपको एडिशनल पेज फिर से दोबारा नहीं मिलेगा, मतलब वो जो एक उत्तर पुस्तिका होगी उसके अलावा आपको पुस्तक पेज नहीं मिलेगा, तो उसको पर्याप्त दिया जाता है कि अगर कोई बच्चे को ज़्यादा लिख रहे हैं या कभी कभी होता है क्या कि मैं ये उत्तर लिख रहा हूँ और गलती हो गया, ये भी मैं बता ही दूँ कि अगर सपोज एक प्रश्न का उत्तर मैं लिख रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि नहीं नहीं ये गलत होगा, मैंने गलती से ये आंसर कर दिया, तो इसको सिर्फ ऐसे क्रॉस कर देना, बहुत ज़्यादा इसको जो है मैसअप नहीं करना है ताकि जो है वीक्षक जो हैं जो जांच करते हैं उनको परेशानी हो, तो सीधा सीधी क्या करना है ना कि बस इसको क्रॉस कर देना, बस ये उनको समझ में आ जाएगा, इसको ज़्यादा गंदा करने से अच्छा नहीं है, तो ये क्रॉस हो गया, तो ऐसे भी हो सकता है, तो इस सब के कारण पर्याप्त पेज दिया जाता है, ये नहीं आपको कहा जाता है, आपने कहीं इंस्ट्रक्शन में नहीं पढ़ा होगा कि आप सभी पेजों को भरें, ऐसा नहीं रहता। तो आपके पास फिर रहा क्या कि मैं इसमें से कोई भी 10 चुन लूँगा, या 30 प्रश्न है तो 30 में से कोई मुझे 15 चुन लेना है और उन प्रश्नों को बारीकी से उत्तर देना है। अब रहा बात लॉन्ग टाइप का, फिर लॉन्ग टाइप के विषय में जाऊँगा मैं, 8 प्रश्न है, 8 में से मुझे कोई भी 4 प्रश्नों का जवाब देना है, तो मैं कोई भी 4 यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है तो 2 नंबर पहले बनाया या फिर 8 नंबर उसके बाद फिर 5 नंबर फिर 4 नंबर, इस तरह से 4 प्रश्न हो गए। अब चारों प्रश्न का बारीकी से उत्तर लिखेंगे, और लॉन्ग टाइप को कितना में लिखना है तो 100 से 150 शब्दों में, मतलब अगर इसको पंक्तियों में देखा जाए तो 30 से 35 पंक्तियों में, मतलब कुल मिलाकर मैं ये कहूँ कि जो परीक्षा का जो उत्तर पुस्तिका मिलेगी उसमें आप एक पेज, बहुत अधिक तो एक पेज, अगले पेज में 5 पंक्तियाँ लिख लें, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो आप इस तरह से परीक्षा को हैंडल कर सकते हैं। मैंने कल भी बताया कि चौथाई छोड़ना है, चौथाई छोड़ने के लिए जैसे कि मैं आपको बता दूं
कि ये हमारे उत्तर पुस्तिका है हमारे संस्थान का, तो जो ऑफलाइन क्लासेस होती है उसमें जो है टेस्ट लिया जाता है। तो इसी तरह से सपोज करें कि अगर ऐसे उत्तर पुस्तिका होगी तो मैं इसको जो है चार भागों में फोल्ड कर लूँगा, इस तरह से चार भागों में। ये पहला भाग मैं यूं ही छोड़ दूंगा, मतलब ये चौथाई जिसको कहते हैं, इसमें ही जो है यहाँ पर लिखना है कि प्रश्न संख्या 1, 2 जिसका उत्तर लिखना है। और फिर ये जो तीनों है तीनों में हम उत्तर दे सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं ये छोड़ देना है, ये भी छोड़ देना और सिर्फ बीच वाले में लिखना, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मैंने कल भी इस विषय पर बताया था कि जो सामने वाला आपको जांच करने वाला है वो कहीं से भी किसी भी प्रकार से जो है मूर्ख नहीं है, वो निश्चित रूप से वो बहुत विद्वान है। और वो अगर आपकी कॉपी जांच रहे हैं तो इसका अर्थ है कि वह आपके हर स्थिति को समझ रहे हैं। तो आप ऐसा कभी ना करें कि जिनको लगे कि आप उनको आंख में धूल झोंक रहे हैं, मतलब आप नेचुरल रहें, जो विद्यार्थी का लक्षण होता है, जो लिखने का प्रक्रिया होती है वो रखें। इसके बाद आप क्या कर लें कि फिर से जैसे समय का तो बचेगा ही, 3.25 घंटे काफ़ी होते हैं, तो आप एक बार फिर से जो है ना सरसरी नज़र से वहाँ पर भी देख लें कि मैंने कहीं कोई उत्तर में मिस तो नहीं किया। चूँकि ऐसा होता क्या है कि कभी कभी प्रश्न लिखने हम जाते हैं और प्रश्न कुछ रहता है, उत्तर कुछ और लिख करके चले जाते हैं। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, प्रश्न जो रहे उसके हिसाब से ही उत्तर को लिखना है। कभी कभी होता है कि हम प्रश्न को पढ़ने के दरमियान आवेग में रहते हैं, मतलब कुल मिलाकर के उस समय का जो भावनात्मक स्थिति होती है वो जरा उच्च होता है, हम बहुत ज़्यादा धैर्य में नहीं रहते हैं, तो ये सब परेशानी आ सकती है। आप परीक्षा में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट रहें, आपका मार्क्स अच्छा आएगा और ये संस्थान आपको निश्चित रूप से वीडियो क्लास के मार्फत से आपकी तैयारी पूरी करवा रही है और आप अच्छा रिजल्ट लाएंगे। मैं आज जैसे कि ये सब प्रक्रिया बताने के बाद मैं अगले जो क्लास होगी उसमें मैं ज्योग्राफी के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज जो आपको सजेशन दिया जाएगा आप उसको क्या करें कि ऑब्जेक्टिव में तो सजेशन संभव नहीं है, फिर भी एक सेट मैं ऑब्जेक्टिव का भी दे दूंगा 100 प्रश्नों का। इसके अलावा जो भी आपका डिस्क्रिप्टिव है उसमें मैं परीक्षा में तो 38 सवाल पूछे जाएंगे, 30 + 8 मैं लगभग प्रयास करूँगा कि 50 यानी कि लगभग 40 के आसपास जो है शॉर्ट टाइप में और 10 जो है लॉन्ग टाइप में मैं दूंगा। आप उन प्रश्नों का जो है प्रैक्टिस करेंगे और आप जो है कल जब ये आपको सेशन मिल जाएगा तो आप इसको देख करके जिन प्रश्नों का उत्तर में आपको कन्फ्यूजन होगा, समझ में नहीं आएगा या आपको दिक्कत हो रही है, तो उन प्रश्नों की संख्या आप कॉमेंट बॉक्स में डाल देंगे। मैं उस कॉमेंट को देख करके आपको बता दूंगा जो है अगले क्लास में उन प्रश्नों को मैं जो है वीडियो के मार्फत से आपको उत्तर शेयर करूँगा ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके और निश्चित रूप से जो है आपको इस क्लास का लाभ मिल सके। हम लोग अब मिलेंगे सेशन के बाद वाले क्लास के बाद वाले दिन, यानी कि दूसरा के बाद तीसरा दिन जो है ज्योग्राफी के साथ भी, और उसमें भी मैं बताऊंगा कि जो प्रैक्टिकल विषय है उसमें कैसे हम लोगों को मार्क्स गेन करना होगा। तो जो भी आज इसके अलावा अगर कोई कन्फ्यूजन होगा परीक्षा के दरमियान जो है, अगर आप मेट्रिकुलेशन पहले दे चुके हैं तो कुछ अगर इस तरह का कोई परेशानी अगर होगी तो आप जो है वो भी कमेंट बॉक्स में डालेंगे या फिर मेरे नंबर पे आप संपर्क करेंगे, मैं आपको उसके विषय में भी जानकारी दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।